नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे सीरीज के क्वेश्चंस, क्योंकि आज मैं CHSL का पेपर देख रहा था तो मैंने देखा कि एकाध प्रश्न आपसे, एक प्रश्न तो सीरीज का सीधे पूछा गया था। अच्छा, सीरीज कई हैं, सीरीज और प्रोग्रेशन में आप अंतर समझिएगा। सीरीज वो होती है जिसे एक कोई समेशन दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि इसको सॉल्व करो, एक सीरीज नुमा दे दिया जाए, श्रेणी दे दी जाए, कहा जाए सॉल्व करो। अच्छा, प्रोग्रेशन वो होती है, प्रोग्रेशन में तीन आपको पढ़नी होती है, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिकल एंड हार्मोनिक। तो उसके क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम करने वाले हैं समेशन, जिसमें निकालने को कह दिया जाता है, या कुछ ऐसी सीरीज दे दी जाती है जो ना एरिथमेटिक होती है, ना हार्मोनिक होती है, ना आपकी ज्योमेट्रिकल होती है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, वही कुछ 5-6 प्रश्न मैं करवाऊँगा और इससे परे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए CGL मेंस में तो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन CGL प्री में चूंकि मैंने देखा, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ। एक प्रश्न अगर नहीं कर पाएंगे आप तो 2 नंबर चला जाएगा, इस वजह से मैंने सोचा जरूरी है करवाना। अदरवाइज कोई, अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं देखना वीडियो तो ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब चांसेज होते हैं कि आ जाए, क्योंकि पिछली बार CHSL में आया था, इस वजह से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये हूबहू CHSL का प्रश्न मैंने उठाया है, इसी वजह से ये देखिए आंसर भी मार्क है। कहा गया x इज इक्वल टू दिया गया था 1/12 प्लस 1/13 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 15 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 23-24 तक। और y की वैल्यू दी गई थी 1/36 इंटू 37 प्लस 1/37 इंटू 38 प्लस 1/38 इंटू 39 डॉट 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 कहाँ तक, 1/71 इंटू 72 तक आपसे पूछा गया था x बाई वाई की वैल्यू। तो ऐसे प्रश्न करने में आप अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे, आपने कभी किया नहीं होगा, तो आप गलत करके चले आएंगे या तुक्का लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, x की बात छोड़िए, पहले आप जानिए कि 1/n इंटू एन प्लस 1 अगर कहीं पे लिखा है, 1/n इंटू एन प्लस 1 जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो हम इसको 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिखेंगे। सीरीज के लिए स्पेशल है, समझ लीजिएगा, ये 1/n इंटू एन प्लस 1 है, तो उसको 1/n इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वही आएगा n प्लस 1, ये 1 में गुणा n प्लस 1, n का 1 में गुणा माइनस लगा के n अपान n इंटू एन प्लस 1, तो ये दोनों कट जाता है। यही चीज़ चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि 1/n इंटू एन प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1, तो ऐसे 1/12 माइनस 1/12 इंटू 13 को लिख लेंगे, 1/12 माइनस 1/13 प्लस, ऐसे ये हो जाएगा 1/13 माइनस 1/14 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 1/23 माइनस 1/24 तक। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल रही है, x की। अब ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है कि दूसरी, जैसे पहला पद ये था, दूसरा पद ये था, ऐसे डॉट 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 ये अंतिम पद है, तो आपको पता है दूसरे पद का जो पहला वाला होता है वो कट जाता है, फिर ऐसे इसका इसके पहले से कट जाएगा, डॉट 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 मतलब जो भी टर्म आएगा उसका पहला टर्म कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारी बचेगी 1/12 माइनस 1/24, यानी कि 1/24 हो जाएगा। समझ गए, देखिए फिर से समझिएगा, एक्स बराबर आपको दिया गया है 1/12 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/14 और प्लस एक टर्म और लिख दे रहा हूँ 1/14 माइनस 1/15 प्लस डॉट 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 प्लस 1/23 माइनस 1/24। देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, देखिए ये पहला पद था, ये दूसरा पद, ये वाला दूसरा पद था, तो अब देखिए दूसरे पद का पहला वाला इससे कट गया, ऐसे तीसरे पद का पहला वाला पद दूसरे के दूसरे से कट जाएगा, ऐसे इसका जो आएगा वो 1/15 कट जाएगा, यानी कि जो भी टर्म आएगा उसका पहला वाला पद कट जाएगा, यानी कि हमारा बचेगा क्या, 1/12 माइनस 1/24, यानी कि 1/24 एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व करें तो उसको हम लिख सकते हैं 1/36 माइनस 1/37 प्लस 1/37 माइनस 1/38 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 1/71 माइनस 1/72 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछले को सॉल्व किया था, यानी कि आपका 37 से 37, 38 से 38, डॉट 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 71 तक कट जाएगा, यानी बचेगा 1/36 माइनस 1/72, यानी 1/72 हो जाएगा। अब आपके पास आ गई x की वैल्यू, आपके पास आ गई y की वैल्यू, तो आपको निकालने को कहा गया था x बाई वाई, यानी कि आप x बाई वाई निकालेंगे तो 1/24 और अपान में 1/72 मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 का, आपको पता है अगर भाग देना है तो पलट के गुणा कर सकते हैं, 24 तिया 72, तो ऐसे आप आंसर निकाल लेंगे। समझ आ गया,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली सीरीज पे आते हैं। अब हम सीजीएल मेंस के कुछ सीरीज करवाए दे रहे हैं आपको, जिससे आपको सीरीज का प्रश्न आए भी तो कोई गलती ना हो। कहा गया ए इज इक्वल टू 1/1 × 2 + 1/1 × 4 + 1/2 × 3 + 1/4 × 7 ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बराबर कितने टर्म है, 20 टर्म दिए गए हैं। तो वन जिसमें अंतर, देखिए हर का अंतर लीजिए तो 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, तो 1 जितने का अंतर आ रहा है उतने कितने टर्म होंगे? आपको पता है हर दूसरा टर्म में अंतर 1 आ रहा है, यानी कि अगर टोटल 20 टर्म्स हैं तो 10 टर्म इसके हो जाएंगे। यानी ए इज इक्वल टू, आप सीरीज़ को 2 भागों में बांट लीजिए, 2 टर्म वाले मतलब जिनका अंतर 2 आ रहा है उनको एक साथ कर लीजिए, और जिनमें 3 अंतर आ रहा है उसको एक साथ कर लीजिए, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + ... ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ऊपर वाली सीरीज तो सेम, कैसे? देखिए 10 टर्म तक कहा गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि 10वें टर्म में क्या आएगा, जैसे पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे टर्म में 2 आ रहा है, तीसरे टर्म में 3 आ रहा है, टोटल 20 टर्म है, तो 10 इसके हो गए, 10 इसके, समझ रहे हैं ना, टोटल 20 टर्म्स हैं अगर, तो 10 इस वाली सीरीज के हो जाएंगे, 10 इस वाली सीरीज के। अब आपको पता है पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे टर्म में 2 आ रहा है, तीसरे टर्म में 3 आ रहा है, तो ऐसे 10वें टर्म में क्या आएगा, 10, यानी कि 10वां टर्म क्या होगा, 1/10 × 11, ठीक है। और ऐसे यहाँ देखिए पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, दूसरा टर्म 4 है, तो आपको पता चल रहा है कि 2, यानी कि ए बराबर 1 है, एन बराबर हमें 10वां टर्म निकालना है और डी बराबर 3 है, तो ये समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाइए, एनवा टर्म क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 × डी, हम इसके लिए अंतिम टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए यानी 1 + n − 1 यानी कि 9 × d 3, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 9 = 27, यानी कि 28 हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, 1/28 × 31, अंतर 3 ही रहेगा, समझ रहे हैं। देखिए फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे पहला टर्म 1 था और दूसरा टर्म 4 है, यानी कि अंतर जो है कॉमन डिफरेंस वो 3 का आ रहा है, पहला टर्म 1 है, 10वां टर्म हमें चाहिए क्योंकि 10 टर्म इस सीरीज में है, 10 टर्म इस सीरीज में, यानी कि अंतिम टर्म इसका 10वां टर्म ही होगा, हमने 10वां टर्म निकाला, तो उसमें पहला अंक क्या आ जाएगा, 28, और दूसरा आपको पता है कि पहले और दूसरे के बीच में अंतर 3 का रहेगा, यानी 28 और 31 लास्ट वाला टर्म हो जाएगा, यानी अब हमें पता चल गया लास्ट टर्म दोनों सीरीज का, ऊपर वाले का पता चल गया 10 × 11 और इस वाले का पता चल गया 28 × 31 1/1, ठीक है, यानी इसका लास्ट टर्म आ गया 1/28 × 31 और उसका आया है 1/10 × 11। अब ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे क्या काम करिए, 1 − 1/2 लिख सकते हैं, +1/2 − 1/3, इसका तो हम कर ही चुके हैं, +++ 1/10 − 1/11, तो आपको पता है पहला टर्म जो होता है वो कट जाता है, यानी ऐसे कटता चला जाएगा, तो बचेगा 1 − 1/11 और प्लस में आप क्या काम करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना अंतर रहेगा उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, तो पहले डिवाइड कर दीजिए और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बचेगा 3 × 1/4 + 3/4 × 7 + ... + 3/28 × 31, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ से देखिए ये बचा ऊपर वाले में बचा, मतलब पहले टर्म में बचा 1 − 1/11 यानी कि 10/11 और प्लस 1/3 × ऐसे देखिए 3/1 × 4 को लिख सकते हैं 1 − 1/4 प्लस 3/4 × 7 को क्या लिख सकते हैं 1/4 − 1/7 प्लस डॉट 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 ऐसे इसको लिख लेंगे 1/28 − 1/31 और फिर यही वाला लगेगा कि जो दूसरे टर्म का पहला वाला टर्म होगा वो कट जाएगा, यानी द्वितीय पद का प्रथम अंश कट जाया करेगा, यानी 1/4 से कट जाएगा, ऐसे 1/7 आगे से कट जाएगा, यानी 1/28 तक कट जाएगा, यानी हमारा बचा क्या, इसको सॉल्व करने पर 10/11 आया था प्लस 1/3 में, समझिएगा, यानी कि ये हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए हो जाएगा आराम से, ये देखिए ये हो गया 10/11, 1 मिनट यार, ये हो गया 10/11 प्लस 1/3 × ब्रेकेट में क्या बचा हुआ है 1 − 1/31 यानी कि 30/31 यानी कि बचा 3 से कट गया 10, यानी 10/11 प्लस 10/31 बचा, तो 10 × 10/11 + 10/31 बचा, यानी कि 310 और 110 ये हो जाएगा 420 और 11 × 31 यानी 341, तो आपका आंसर आ गया 420 × 300 420/341, समझ में आ गया।
समझ में आया ना? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कहा गया है, क्या कहा गया है, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ... 1/25 = k, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सीरीज आएगी ही आएगी, लेकिन आई है, इस वजह से मैं करवाए दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे ऐसा प्रश्न एक भी ना मिले जो आप किए ना हो। देखिए आप 1 को इधर भेज दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/25 = क्या मिल जाएगा, k-1। 1 को हमने दाएं साइड में भेज दिया। अब क्या काम करिए, इसमें सब में हर में 3 से गुणा कर दीजिए, यानी कि हम कहें कि 3 से इधर भी भाग हुआ तो 3 से इधर भी भाग हो जाएगा, यानी 1/3 इधर लगा दीजिए, दोनों पक्ष में 3 से गुणा कर, 3 से भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/6 / 1/9 / 1/12 + ... + 1/75 1/75, ठीक है। अब क्या काम करिए, 5 से कर दीजिए दोनों पक्षों में गुणा, यह आपका आया है k-1/3। अब 5 से दोनों पक्षों में गुणा करें तो 5/6 / 5/9 / 5/12 / 5/75 बराबर हो जाएगा k-1/3 × 5, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा है 1/15 लिखा है, आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 1/15 ही लिखा है, तो 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 5, 5 × 15 = 75, यानी आपका हो गया 5/6 + 5/9 + 5/12 + ... 1/15 बराबर हो जाएगा 5 × k-1/3। यही आपका सीरीज का प्रश्न बहुत आसान होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तभी कर पाएंगे, आपने किया होगा कभी तो 5/3 × k-1 इसका मान हो गया। समझ में आ गया, 5/3 × k-1 इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा था 5 और यहाँ पे सब में दिख रहा था हर में 3 से गुणा किया गया है, इसी वाले हर में 3 से गुणा, हर में 3 से गुणा करने का मतलब होता है कि 3 से समझ लो भाग कर दिया गया। समझ में आ रहा है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ले लीजिए, कहा गया 1 + 1/2 + 1/3 + ... 1/20 = k दिया गया है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए 1 को अगर हम दाएं साइड में ट्रांसफर मार दें तो कितना बचेगा, 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/20 = k-1 हो गया। अब क्या काम करिए, 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे तो यानी कि 1/2 से गुणा हो गया, तो ये बचा 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/40 = कितना हो गया, k-1/2। और 2 से सब के अंश में गुणा कर, हर में गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1/2 का सब में गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/4 + 1/8 + 1/8 + 1/40 = k-1/2। तो आपका आंसर क्या हो गया, k-1/2। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद रही होगी। और हाँ, मैं ये फिर से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी ये वाली सीरीज, सीरीज से एक प्रश्न तो आना ही है, चाहे वो एरिथमेटिक से आ जाए चाहे इससे, लेकिन चूंकि पिछली बार CHSL में एक प्रश्न आ चुका है तो CGL में आने की संभावना जताई जा सकती है। अगर ये नहीं आया तो एरिथमेटिक आएगी, तो ये मैं करवा दे रहा हूँ। और एरिथमेटिक में मतलब जो प्रोग्रेशन है अंकगणितीय श्रेणी, वो समांतर श्रेणी और जो भी है, मतलब समांतर श्रेणी जो है वो भी मैं करवा दूंगा, जिससे आपका जो भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर पाएँ। समझ में आ गया, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स, वंदे मातरम।